मध्य प्रदेश के ई टेंडरिंग घोटाले में आरोपी मेंटाना कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन श्रीनिवास राजू व उसके सहयोगी आदित्य त्रिपाठी के भोपाल स्थित 3 ठिकानों पर इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन विंग ने छापा मारा है। अफसरों की टीम मंगलवार को हैदराबाद से भोपाल पहुंची थी। भोपाल के अलावा हैदराबाद के 12 ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। बताया जाता है कि इनकम टैक्स को करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी के दस्तावेज भी मिले हैं। इस छापामार कार्रवाई से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों को 21 जनवरी को हैदराबाद में गिरफ्तार किया था। ईडी की जांच में बड़े पैमाने पर आयकर की चोरी के प्रमाण मिले थे। इसी की जांच के लिए आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग ने छापे मारे। मेंटाना कंपनी पर मध्य प्रदेश सरकार के ठेकों में ऑनलाइन टेम्परिंग कर कई कंपनियों को फायदा पहुंचाने और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। श्रीनिवास राजू के तार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी से जोड़ने के कारण ईडी पहले ही उनसे पूछताछ कर चुकी है। ईडी की टीम ने 7 जनवरी को गोपाल रेड्डी के हैदराबाद स्थित आवास पर छापेमारी कर दस्तावेजों की छानबीन की थी। इसी दिन श्रीनिवास राजू से भी पूछताछ करने के अलावा ईडी की टीम ने ई टेंडर का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने वाली बेंगलोर की अंट्रेंस सॉफ्टवेयर कंपनी के यहाँ भी सर्चिंग की थी। ई टेंडरिंग घोटाले में आरोपी मेंटाना कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन श्रीनिवास राजू व उनके सहयोगी आदित्य त्रिपाठी के भोपाल स्थित 3 ठिकानों पर इनकम टैक्स की इन्वेस्टिगेशन विंग ने छापा मारा। अफसरों की टीम मंगलवार को हैदराबाद से भोपाल पहुंची थी। ईडी को जब्त दस्तावेजों के आधार पर लगता है कि जो कंपनियां ई टेंडरिंग घोटाले में शामिल थी उन्हें कुछ समय बाद बड़े पैमाने पर भुगतान किए गए थे। अब ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या इन कंपनियों ने इन भुगतान के एवज में कुछ प्रभावशाली लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाया। इसलिए ईडी इन कंपनियों के खातों से भुगतान पाने वाले कई लोगों के बैंक खातों की भी जानकारी जुटा रही है। ईडी ने 7 जनवरी को इसी सिलसिले में भोपाल, हैदराबाद और बेंगलोर सहित 16 स्थानों पर छापे मारे। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा उनकी पार्टी करप्शन के खिलाफ है और एजेंसी को काम करने की खुली छूट है। देखिए, हमारी सरकार तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन स्थापित करना चाहती है और पारदर्शी व्यवस्थाओं की हमने व्यवस्था की हुई है। जो भी यदि कहीं गड़बड़ियां हुई हैं तो हमारी सरकार हर समय उसको उजागर करती है और न्याय संगत जहाँ जहाँ जो जो कार्रवाई किसी भी जांच एजेंसी को करनी है उसमें हमारी सरकार सहयोग करती है। जो भी जांच एजेंसी को उचित लगता है वो कार्रवाई कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।